गाड़ी के साथ टायर थे तभी इन्होंने मारा। अच्छा ये मारपीट तुम्हारे मेरे साथ भी मारा इन्होंने? हमारे को मारा इन्होंने पकड़ के जब आपने मेरी स्लीपर वगैरह सब कुछ मतलब उस थाने के बाहर ऐसे पड़ा रहा, मतलब वो चीज मैं नहीं भूल सकती हूँ। और उसका उन्होंने अंदर ले जाके बहुत मारा हमें, मेरे भाई को और मुझे। लगातार पुलिस द्वारा लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। पिछले बार पत्रकार को भी एक बुरी तरीके से पीटा गया पुलिस मुलाजिमों द्वारा, और एक लड़की की अभी एक लड़की को भी बुरी तरीके से कुटा एसआई भूत सिंह ने, उस पर क्या? ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे पास, जब भी होगी तो कोई ऐसी बात नहीं, हम एक्शन उसकी इंक्वायरी खोल दी एसएसपी ने। आप कैसे कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही? उसके पहले जो पुलिस आते थे वो अच्छे थे, वो नहीं बोलते थे पहले वाले। जैसे दुकान के जैसे वो पहुंच गए तो कांटा बार उठाना शुरू कर दिया, हाथा पाई करने शुरू कर दिए, जल्दी बहुत मारूंगा। दस बजे रात में मेरे को मारा, पैर में मारा, डंडा ही डंडा मारा। ओके बात है, सामान भी ले जाते, पैसे भी नहीं देते, कुछ नहीं कर सकता। मार दिया, मैं भूखा हूँ, क्या कर सकती हूँ मैं गरीब मनी हूँ। क्या अगर मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं। सामान फेंक देते हैं और हम तराजू लेने जाते हैं तो कहते हैं गड्डी में पड़ा, उसको बॉन्ड हो गया। फिर कहते हैं 500 का नोट जेब में डालो, फिर अपना तराजू बाट लेके जाते हैं। 200 रुपए का तराजू बाट हम 500 रुपए कैसे देते, 200 रुपए कमाने वाले हैं। देखो मार्केट में घुसते हुए कोई बंदर मोटरसाइकिल लेकर आता है ना, बीबी के साथ भी आया तो उस पर भी डंडे बरसाते हैं। अरे कोई सही नहीं है, कोई नहीं सुनवाई करता हमारी। थाने में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्यकर्ता नहीं है। हमारे तो पहले बहुत सुनवाई होती थी, पहले बहुत अच्छे थे। हाँ ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है, सबकी अच्छी तरह कार्रवाई होती थी। आज कार्रवाई भी नहीं करते, वो जिसकी जेब गर्म है उसी के मालिक है वो, बाकी गरीब का किसी का साथ नहीं है। मेरे भी डंडा मारा था, 2 डंडे मेरे मारे थे, और मेरे साथ मेरी बहू खड़ी थी, बहू के भी डंडे मार दिए। बता मेरी बहू के भी डंडे मारे, मेरे भी मारे, ये मेरे साथ खड़ी थी इसके भी मारे। ये पुलिस वो तानाशाही कर रही है गरीबों में, ये लठ चला रही है, किसी की लाइट तोड़ दी, किसी तराजू उठा लिया, किसी का गैस उठा लिया, किसी वो सुनते ही नहीं किसी की, गरीब आदमी की। वो तो कहें भागो भागो, 2-3 आदमी हैं उन्हीं की सुनते हैं। 6 बजते बोलता है जल्दी दुकान करो, हम लोग 5 बजे से दुकान लगाते हैं और 6 बजे आके बोलते हैं उठाने लग जाओ। 6 बजे से आके अगर नहीं उठाते बोलते 5 मिनट के अंदर में नहीं उठाया तो रेडी पड़ी जितने भी है सारा मंजे फुंजे उठा के लेके जाऊंगा। हम नहीं जानते हैं कोई, बैस तो बहुत कमी लगा के रखते हैं, इसकी वजह से उसका नाम जल्दी नहीं किसी को पता। बोलते 500 रुपये दो, 2 बार बैटरी उठा के लेके गए, दोनों बार बोले 500 रुपये दो, 500 रुपये 2 दिन में 500 रुपये कहाँ से आए 500 रुपये। शहर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी जारी, जनता परेशान है। वीरवार शाम मौली जागरा में सब्जी लगाने वालों को पुलिस द्वारा मारे जाने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि मौली जागरा में गरीब लोग अपना रोजगार चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते हैं, जिससे प्यारे विवेक, वेतु प्रसाद, विकलांग व अन्य गरीब लोग शाम को सब्जी मंडी में अपनी सब्जी की रेडियां लेकर खड़े हुए थे। अचानक पुलिस की गाड़ी आई जिसमें पुलिस के कुछ मुलाजिम सवार थे। आते ही पुलिस मुलाजिमों ने आओ देखा ना ताओ प्यारे नामक व्यक्ति पर हमला कर दिया। इसके साथ ही पास में ही खड़े एक और व्यक्ति पर दूसरे मुलाजिम ने डंडा चला दिया। जुल्म की अताहत तो तब हुई जब एक तीसरे व्यक्ति जिसका नाम वेतु प्रसाद जो विकलांग है उस पर पुलिस ने अपने डंडे का जोर दिखाया। पुलिस की इस गुंडागर्दी से परेशान होकर पीड़ितों ने इलाका के पार्षद अनिल दुबे को इस वाक्य का संज्ञान दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार इलाके की पुलिस द्वारा मासूम लोगों को प्रताड़ित करने के मामले सामने आया है। लॉकडाउन के समय एक पत्रकार के साथ भी मारपीट का मामला सामने आया था। उसके बाद विकास नगर के एएसआई भूप सिंह द्वारा भी एक लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। पीड़िता ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी थी लेकिन उच्च अधिकारियों ने मामले को दबा दिया था। अब सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठता है कि पुलिस की इतनी शिकायतों के बाद भी उच्च अधिकारी इस पर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे। चंडीगढ़ पुलिस के एसएसपी केतन बंसल को जब इस मामले का संज्ञान दिया गया तो उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाएगी। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। मौली जागरा में आए दिन पुलिस द्वारा गरीब लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है। वहीं इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। एक पत्रकार को बेरहमी से एसएचओ साहब व अन्य पुलिस कर्मियों ने पीटा था। एक लड़की के साथ भी एएसआई भूप सिंह ने बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट की थी। वहीं बीते दिन मौली जागरा की मंडी में कुछ जो रेड़ी वाले हैं उनके साथ पुलिस द्वारा लाठी चार्ज की गई है। जी सबसे पहले तो आपका क्या नाम है, आपके साथ जो कल पूरा हुआ है वाकया उसके बारे में बताइए। राम प्यारी,
राम प्यारे जी, क्या हुआ था कल आपके साथ? सर जैसे दुकान लगी जैसे वो पहुंच गए तो कांटा बार उठाना शुरू कर दिया था, पाई करने शुरू कर दिए, जल्दी बल कर बहुत मारूंगा, मारने लगे, कौन थे वो पुलिसकर्मी? पुलिसकर्मी चौकी के थे। इससे पहले भी ऐसे पुलिस द्वारा परेशान किया जा रहा है? पहले एक बार मारा था, जो पहले भी मारा था, तब कहीं कुछ नहीं हुआ था, कुछ डिब्बल को कपड़े वालों को भी मार दिया था, तब कहीं कुछ नहीं हुआ था। उसके पहले जो पुलिस आते थे वो अच्छे थे, वो नहीं बोलते थे पहले वाले, पहले भी चौकी थी, लेकिन पहले वो समझा कर चले जाते थे, बल्कि जैसे भी हटा लो, मारते पीटते थे, डंडा लाठी कुछ करते थे और तराजू बाटी उठाते थे, बताते भी अपने सामान उठा लो। हमारा गीता, गीता जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि जो जिसका घर है वो लगाएगा, बाकी नहीं लगाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? हमारा भी घर यही है, हम कहाँ जाएंगे? और यहाँ घर वाला लगाता कौन है? सब किराया ले लेके लगा रहे हैं, कौन मकान मालिक अपना सब्जी लगा रहा है दिखाएगा? वो पैसे हम भी भर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, पैसे कहाँ भर रहे हैं? इसमें संपर्क में 1100 रुपया ले रहे हैं, लाइसेंस बना हुआ है, संपर्क में जमा कर रहे हैं। हाँ जी, और आपको एक तस्वीर दिखा दे जो कि यहाँ पर रेडी लगाते थे और आज उनके हालत आप देख सकते हैं तस्वीरों में। जी क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे पुलिस द्वारा जो आपके साथ ये जो हरकत की गई है? मेरे पास ऐसा हुआ है, 9 बजे रात को मैं बंद करके जा रहे थे, इधर से जिप्सी आई, इधर से पैदल ही आया, मेरे को कंडा उठा लिया, कंडा उठाया लेकर चलते, मैं कंडा छीन लिया, छीनने के बाद फिर अफसर को बोला, अफसर कहते भाग जाओ, फिर मैं जाने नहीं दिया अफसर को बोला, हैं फिर रेडी मेरे लेके रेडी ले गया, वो रेडी ले जाने के बाद फिर 9 बजे लेके गया, मेरे को अंदर कर दिया, रेडी मेरे माल फिर लेके गया। ठीक है जी, कब का ये मामला है आपके साथ जो हुआ? हमारा 6 महीने में 10 तारीख का हुआ था, 6 महीने में 10 तारीख का हुआ था ये। फिर 10 बजे रात को, 10 बजे रात को रात में मेरे को मारा है, पैर में है मारा, डंडा ही डंडा मारा। ओके, जब आते सामान भी ले जाते, पैसे भी नहीं देते। क्या कहना चाहेंगे पुलिस का जो रवैया है, जिस तरीके से गुंडागर्दी? क्या करना, मैं कुछ नहीं कर सकता, मार दिया, मैं भुगत हूँ, क्या कर सकते, मैं गरीब मनी हूँ। तो आपकी उच्च अधिकारियों से कोई मांग है, पुलिस के उच्च अधिकारियों से? क्या अगर मेरे साथ, मैं अकेला हूँ, कोई साथ देने वाला नहीं है। देख सकते थे पुलिस द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है इन बुजुर्ग की, आप बातें सुन सकते थे जो इन्होंने ये बातें कही हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम विक्की है, मौली जागरण हुआ है। हाँ जी, मेरे पैर में ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन हुआ है, हाँ। क्या नाम है आपका? सर विक्की नाम है मेरा। हाँ जी सर, यहाँ पर मंडी लगाते हैं हम, 200-300 रुपये कमाने वाले बंदे। सर इस पुलिस वाले अत्याचार बहुत ज़्यादा कर रखा है कि 3 बजे ही आ जाते हैं और कहते हैं सामान बंद करो, हमारा माल छड़ जाता है, 1000-1200 का लेके आते हैं, 200-300 उसमें कमाते हैं और तराजू वाड़ चक लेते हैं, तराजू वाड़ चकने के बावजूद भी कहते हैं कि भाई हम कि अपना सामान फेंक देते हैं और हम तराजू लेने जाते हैं तो कहते हैं गड्डी में पड़ा उस वो बॉन्ड हो गया, फिर कहते हैं 500 का नोट जेब में डालो, फिर अपना तराजू बाट लेके जाते, 200 रुपये का तराजू बाट हम 500 रुपये कैसे दे दे, 200 रुपये कमाने वाले बंदे। कौन कहता है ये 500 रुपये जेब में डालो आप अपना तराजू? कहते हैं जी पुलिस वाले का नाम क्या है? सर उसका नाम हमें पता ही नहीं, हम पढ़े लिखे कोई नहीं है सर, उनका नाम नहीं पता हमें, मुँह पे निकाब लगा था, पहचान भी नहीं हमें। क्या नाम है? मेरा वीरपाल है। वीरपाल जी क्या कहना चाहेंगे जो ये कल वारदात हुई है, इसको लेकर पुलिस द्वारा अत्याचार किया है? ये हम लोग कम से 94 से इस मार्केट को लगा रहे हैं, हम लोग आपस में मेलजोल करके काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो है जब से जुले सिंह आए हैं तब से यहाँ अत्याचार ज़्यादा होने लगा। परसों आए तो कह रहे आपको जो है 8 बजे तक का टाइम दे रहे हैं, कल आते ही सारे एकदम बोले आप कहाँ रहते हो, के मैंने बोला उनको सर मैं उधर रहते हैं, ये मेरे भाई का मकान है, नहीं नहीं हटाओ इसको और यहाँ से ले जाओ, माल सबका चकवा दिया और फिर जो मकान वाला है वो तो लगा ही नहीं रहा, हमारी जैसे गरीब, और फिर हम लाइसेंस का भी पैसा भर रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं, बताओ हम कहाँ से इतना कमाएंगे, हमारी कुछ सुनवाई हो नहीं, इसके लिए होता है तो हम संघर्ष जारी रखेंगे। आज मैंने दुबे साहब को बुलाया था और उन्होंने हम लोगों का आश्वासन देके गए हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे और DSP के पास उनको भेजा है इस मामले के लिए। हाँ जी, हमारा सामान लगाने ही नहीं देते, उठवा देते हैं बाजार लगते ही, और फिर तराजू आए दिन तराजू उठा कर ले जाते हैं, गरीब बंदा कहाँ सा तराजू लगाएगा, हैं
ऊपर से पल्लेदारी देते हैं, वहाँ पे आड़त देते हैं, यहाँ पे आके किराया भी देते हैं तो अभी लगाने ही नहीं देते। जब मकान भा रहे हैं, जिसके मकान है उन्होंने किराए पे फड़ी उठा रखी है, हैं तो गरीब बंदा कहाँ से, वो तो सारा सामान के पैसे उसके किराए में ही चले जाते हैं। जो पुलिस के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की है, इसको लेकर आपके पुलिस के उच्च अधिकारियों से क्या मांगे? देखो मार्केट में घुसते हुए कोई बंदर मोटरसाइकिल लेकर आता है ना, बीवी के साथ भी आया तो उस पर भी डंडे बरसाते हैं। जवरिया रात हमारे सामने बेचारे गाड़ी भरे के गाड़ी ले गए, जो चिट्ठी वाली गाड़ी होती है वो गाड़ी ले गए, उसका चालान काट दिया, कह रहे तूने लेडीज का हाथ पकड़ा, महिला वो जो पुलिस वाली थी उसका सीधा ही हमारे सामने आरोप लगा दिया। बताओ कौन पुलिस वाले के सामने मुँह खोलेगा? हैं मुँह खोलेंगे तो मारेंगे, हमें भी अंदर कर देंगे। हैं जो यहाँ के SHO हैं उनका रवैया कैसा है लोगों के साथ? अरे कोई सही नहीं है, कोई नहीं सुनवाई करता हमारी, थाने में जाओ तो कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई कार्यकर्ता नहीं है हमारे, तो पहले बहुत सुनवाई होती थी, पहले बहुत अच्छे थे, हाँ सबकी बात अच्छी तरह सुनाए, हाँ ना अमीर देखा है ना गरीब देखा है, सबकी अच्छी तरह कार्रवाई होती थी। आज कार्रवाई भी नहीं करते, वो जिसकी जेब गर्म है उसी के मालिक है वो, बाकी गरीब का किसी का साथ नहीं है, थाने में भी नहीं बढ़ने देते हैं वो। मेरा नाम पुष्पा जी, हम ये कहना चाहेंगे ये SHO आए हैं ये अच्छे नहीं है, और देखो आए दिन लेडीजों पे भी हाथ छोड़ देते हैं, ये हमारे भी डंडा मारा था। हम दो अगर बात की जाए आपका जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो पहले हुई थी ना, काफी लोगों के हाँ जी मारपीट जिस तरीके से, हाँ जी मेरे भी डंडा मारा था, दो डंडे मेरे मारे थे और मेरे साथ मेरी बहू खड़ी थी, बहू के भी डंडे मार दिए, बता मेरी बहू के भी डंडे मारे, मेरे भी मारे, ये मेरी बहन खड़ी थी इसके भी मारे, ऐसे कोई SHO ऐसे करेगा? वो तो सबके लिए वही करते हैं, और किसी काम से जाओ चौकी में वो सुनवाई नहीं होती हमारी। मेरा नाम मोहम्मद शमीम। मोहम्मद शमीम जी, क्या हो जो ये हरकत हुई है कल पुलिस द्वारा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सर हमारे भाई हैं, ये हमारे पास आए हैं, मैं भी सैकड़ों का काम करता हूँ, पहले तो इन्होंने कहा जी 9 बजे का टाइम है, 9 बजे के बाद में कल इन्होंने पुलिस ने डंडे बजाए हैं, 5 बजे आगे हम लोगों पर डंडे बजा दिए, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे इतने ते फिरे, तो हाँ तुम उग्रवादी हो, तुम फलाने हो, तुम ढिमके हो, ये पुलिस वो तानाशाही कर रही है गरीबों में, ये लठ चला रही है, किसी की लठ तोड़ दी, किसी का तराज उठा लिया, किसी का गैस उठा लिया, किसी का कुछ। मोहम्मद शमीम जी, आपको नहीं लगता मौली जागरा SHO इस समय जो हैं उनके द्वारा उनके आने के बाद यहाँ पर क्राइम और बढ़ गया? वो सही, वो सुनते ही नहीं किसी की, गरीब आदमी की, वो तो कहें भागो भागो, 2-3 आदमी हैं उन्हीं की सुनते हैं, वही है आप कह रहे हैं हाजी, किसी का नाम ना लो, मैं नाम नहीं ले सकता, फिर मेरे पे आके वो चढ़ेंगे, बदमाश आदमी है, 3 आदमी की पुलिस मानती है और किसी की नहीं मान रही। शोभा देवी, हम ऊपर लगाते हैं रेड़ी तो हमारे सबको तो आगे रेड़ी में लात मारते हैं, जो रेड़ियाँ लगाते हैं बाहर उनको पुलिस वाले आएंगे उनको कुछ नहीं बोलते, तो आएंगे तो रेड़ी वाले हॉर्न बजाते आएंगे, रेड़ी लेके भाग जाते हैं, और फंसते हम फड़ी वाले हैं, और हमारे ऊपर आकर तुरंत रुबाब दिखाते हैं कि रेड़ी हटा रहे हो कि मारो तुम्हारे को, ये भी कोई आपने कभी शिकायत भी दी है कुछ हो चुकी है? कभी नहीं की है शिकायत, नहीं की है, आज जब दुबे ने बोला तब शिकायत हो रही है इसकी। हाँ जी, दिलीप दास, दिलीप जी क्या कहना है? मौली जागरा में रहते हैं, यहाँ कपड़े का रेड़ी फड़ी लगाते हैं, यहाँ पर पहले बोला कॉरपोरेशन वाले ने कि वो लाइसेंस बनाओ तब लगाने देंगे, जब लाइसेंस बनने लग गया 1100 रुपये करके महीने में कटने लग गया, फिर दोबारा वो लोग उठाने के लिए आने लग गए, 6 बजते बोलता है जल्दी दुकान करो, हम लोग 5 बजे से दुकान लगाते हैं और 6 बजे आके बोलते हैं उठाने लग जाओ, 6 बजे से आके अगर नहीं उठाते बोलते 5 मिनट के अंदर में नहीं उठाया तो रेड़ी पड़ी जितने भी है सारा मंजे फुंजे उठा के लेके जाऊँगा और वहाँ मिलेंगे नहीं, और जो कहते हैं कौन कहते हैं ये पुलिस वाले बोलते हैं मौली जागरा की, पुलिस वालों का कोई नाम भी है या आप लोगों को किसी को पुलिस वाले का नाम ही नहीं पता? नहीं, उसका नाम पता नहीं है किसी का, पुलिस से डर है? नहीं नहीं किसी का डर नहीं है, पर उसके नाम नहीं जानते हैं, कोई बहस तो बहुत कमी लगा के रखते हैं, इसकी वजह से उसका नाम जल्दी नहीं किसी को पता है, और आते हैं बोलते हैं जल्दी रेड़ी फड़ी वाले सारे उठाओ उठाओ, नहीं तो सारे गाड़ी पे भर के लेके जाऊंगा, कि इन लोगों ने कोई टाइम टेबल नहीं देते, अचानक से आते हैं और उठा के लेके चल देते हैं, ठीक है, किसी का नमकीन उठा लिया, किसी का बैटरी उठा लिया, किसी का कोई भी चीज़ उठा लिया, किसी का मंजे उठा लिया, अगर कोई लेने जाते उसके पीछे पीछे तो उन्होंने तो पहले पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं कि पैसे दो और लेके जाओ, हमारा एक दिन डंडे गाड़े थे, चलो छोटा छोटा डंडे 4 डंडे उखाड़ के लेके चले गए, बोला ठीक है शाम को आइयो, शाम को जब जाते हैं तो बोलते हैं सुबह आइयो, अभी SHO नहीं है, अभी वो नहीं है, चक्कर मारते रहते हैं लेकिन कोई सुनते नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देते हैं, बोलते 500 रुपये दो, 2 बार बैटरी उठा के लेके गए, दोनों बार बोले 500 रुपये दो, 500 रुपये 2 दिन में 500 रुपये कहाँ से, ये 500 रुपये की बात
बैटरी के रेडियो बंद करो, 8 बजे रेडियो बंद कर दो, 8 बजे और 5 बजे तो निकालेंगे, 8 बजे बंद कैसे करेंगे? ऐसे कौन मांगता आपसे? पुलिस वाले मांगते हैं कि चला नाम है उनका, नाम तो नहीं जानता, पर शायद पुलिस वाले मोड़े जागरा चौकी में मांगते हैं पैसे। रात को 8 बजे दुकान बंद करो। देख सकते थे ये थे मौली जागरा मंडी के लोग, जिनका पुलिस वालों पर मारपीट के आरोप लगाए हैं, पैसे लेने के आरोप आए। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनीष कुमार के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट।